दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। शिवराज नहीं तो और कौन बन सकता है मध्य प्रदेश का सीएम? भाजपा में मध्य प्रदेश की राजनीति में भारी उथल पुथल चल रही है, मची हुई है। भाजपा के अंदर बैठकों का दौर गोपनीय ढंग से चल रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद से हटाया जा रहा है। सवाल उठता है, फिर कौन? नेता, पत्रकार, जानकार चार नाम ले रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा। इन चार नामों पर चर्चा करने से पहले मैं एक और नाम लेना चाहता हूं, वह है भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का। यूपी में योगी ठाकुर, एमपी में प्रज्ञा ठाकुर। योगी और प्रज्ञा दोनों अविवाहित हैं, दोनों भगवादारी हैं, दोनों तेज तर्रार भी हैं, तत्काल फैसला करने में माहिर हैं। संघ और भाजपा के मनसा अनुरूप प्रज्ञा ठाकुर को अगर मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया जाता है तो यूपी के लिए योगी ने जो फैसले लिए हैं, लव जेहाद वगैरह वगैरह, वह बहुत पीछे छूट जाएंगे। प्रज्ञा ठाकुर उससे बहुत आगे जाकर बड़े फैसले ले सकती है, ऐसा मेरा मानना है। नरेंद्र सिंह तोमर इसलिए बनाए जा सकते हैं, वह केंद्र में कृषि मंत्री हैं और पिछले 6 महीनों से किसान आंदोलन देश में चल रहा है। पीएम मोदी की मंशा अनुरूप तोमर ने किसानों की कोई बात नहीं सुनी, उसका इनाम उन्हें सीएम के रूप में मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी तक कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा सरकार बनाने का कोई पुरस्कार स्वरूप पद भाजपा ने नहीं दिया है, इसलिए लोगों को लगता है सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता है और उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का पुरस्कार मिल सकता है। मैं फिर कहूंगा, छोटा और मोटा भाई ऐसी गलती शायद ही करें, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ के तेवर राजस्थान में जो बने हुए हैं उसे छोटा और मोटा दोनों झेल नहीं पा रहे हैं। फिर एमपी भी देकर नई मुसीबत सिर पर शायद ही यह लोग बैठाएं। कैलाश विजयवर्गीय भी बनाए जा सकते हैं सीएम। अगर बंगाल उन्होंने जिता दिया होता तो जाने कब के वह सीएम बन गए होते, मगर अब मोदी ही मालिक है। नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस की सरकार गिराते समय जिस अंदाज में अपना राजनीतिक कद पेश किए थे उससे लग रहा था वह सीएम बन सकते। वह अपने बयानों में इस समय गांधी परिवार पर नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक लगातार हमले बोलते आ रहे। शायद वह एमपी के संबित पात्रा बनना चाहते, मगर उनके बयानों को तवज्जो बहुत कम मिल रही है, इसलिए समय पर निर्भर है कि वह सीएम बनते हैं या नहीं। वैसे एक और नाम लिया जा सकता है, वह भी केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल को भी सीएम बनाया जा सकता है। पटेल और शिवराज में भी राजनीतिक मतभेद सभी को पता है। भाजपा में कोई बड़ा उलटफेर जल्द होने की संभावना प्रतीत हो रही है। दोस्तों आप लोग बताएं, शिवराज नहीं तो कौन बेहतर सीएम एमपी के लिए हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स पर लिख के बताएं। धन्यवाद दोस्तों।